भाई साहब कितने पैसे मांगे आपने? आपकी कंप्लेंट आई है हमारे पास, आपने कितने पैसे मांग रहे हो? कितने पैसे मांगे? लर्नर का मतलब पता है आपको? सर हाँ, मतलब सीख रहा है। सीख रहा है तो फिर तू कैसे चला रहा है? नहीं, यूनियन ने क्या बोला? यूनियन ने क्या बोला? सर हमारे जो चला भी रहा है अपनी गाड़ी नहीं। यूनियन ने क्या बोला? बोला ये बोला जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन रहा, क्योंकि आरटीओ ने सजीव बोला था कि इसका रिक्शा अलग से पड़ेगा। लाइसेंस है आपके पास? जी सर। दिखाओ लाइसेंस। लाइसेंस हमारे पास उसका है। किसका? लर्निंग का भी बनवा रहे हैं। लर्नर का लाइसेंस आपके पास? लर्नर का लाइसेंस लेकर आप ये गाड़ी चला रहे हो और 150 रुपया यहाँ से बख्शीनगर चौक से रेट है क्या कहते हैं तलाब दिलो तक नहीं पता। पैसे कितने मांगे? पैसे कितने मांगे? पैसे बताओ ना, पैसे कितने मांगे? कितने पैसे मांग रहे हो? से आपको ऑटो रिक्शा से ये शिकायत थी कि ऑटो रिक्शा वाले ओवर चार्जिंग करते हैं, लेकिन ई रिक्शा वाले भी उसी दाम पर अब सवारियां लेना शुरू हो गए हैं। कितना रेट है भाई यहाँ से तलाब दिलो? सवारी के ऊपर होता है ना, सवारी कितनी? एक सवारी का रेट कितना है? एक सवारी अगर जाना है तो 30-40 रुपए पड़ेगा। अभी आपने रेट पहले क्या बोला मुझे? ज्यादा जाएंगे, पूरी पूरी गाड़ी जाएगी तब 150 रुपए पड़ेगा। 150 रुपए पड़ेगा? हाँ। ये रेट किसने दिया आपको? ये रेट तो हमको 20 रुपए सवारी का मिला है। 20 रुपए सवारी का मिला है? 150 रुपए रेट यहाँ से वहाँ तक, वो भी ई रिक्शा का, ये रेट किसने दिया आपको? पूरी गाड़ी सवारी होगी तब 150 रुपए पड़ेगा। इसमें दिया किसने? कोई ऑर्डर निकला होगा, कुछ हुआ होगा? तो इतना तो मेरे को नहीं पता। कोई ऑर्डर नहीं? इतना पता नहीं मेरे को। लाइसेंस है आपके पास? दिखाओ लाइसेंस। लाइसेंस हमारे पास ये उसका है। किसका? लर्निंग का भी बनवा रहे हैं। लर्नर का लाइसेंस आपके पास? लर्नर का लाइसेंस लेकर आप ये गाड़ी चला रहे हो और 150 रुपया यहाँ से बख्शीनगर चौक से रेट है क्या कहते हैं तालाब दिलो तक 150 रुपया रेट है जी? पूरी गाड़ी जाएगी तो फिर 150 रुपया। गाड़ी में कितनी सवारियाँ बैठती हैं? 4 सवारी। 4 सवारी बैठेगी, एक सवारी का कितना बनता है यहाँ से तालाब दिलो? 30-35 रुपये पड़ेगा। 30-35 रुपया पड़ेगा 4 सवारी का? 4 सवारी का 140 रुपये पड़ेगा। और सर ये ऑटो है, ई रिक्शा, ये चलता है इलेक्ट्रिक पे। हमने लिया है ये बख्शीनगर कहाँ से? ठीक सी डी हॉस्पिटल के बाहर से। पूछो रेट क्या किया है? पैसे ले रहे हो? पैसे कितने ले रहे हो बताने का क्या है? मैं कोई, तुम्हें लग रहा है मैं कोई क्या कहते हैं आसमान से उतर गया हूँ? मैं आम आदमी हूँ भाई, जैसे ये आम आदमी वैसे मैं आम आदमी हूँ। भाई साहब कितने पैसे मांगे आपने? आपसे की कंप्लेंट आई है हमारे पास, आपने कितने पैसे मांग रहे हो? कितने पैसे मांगे? नहीं पता। पैसे कितने मांगे? पैसे कितने मांगे? पैसे बताओ ना, पैसे कितने मांगे? कितने पैसे मांग रहे हो भाई? पता क्या करना मेरे बारे में? मैं सवारी हूँ ना, सवारी से आपने लाइसेंस दो सर। पहले पैसे, पहले कैमरे के ऊपर। पैसे कितने मांगे भाई आपने? कितने पैसे मांग रहे हो? कितने पैसे मांगे आपने? पैसे कितने मांगे? बोलना कितने पैसे मांगे थे, जाकर मैं उनको बुलाऊंगा, वो पुलिस वालों। 100 रुपए मांगे थे बख्शीनगर। अब मुझे बताओ, जो बेचारा काले पीले ऑटो वाला, काला ऑटो वाला हमारा है, वो बेचारा 100 रुपए लेता है, पेट्रोल जलता है उसका, उस पेट्रोल जलने का। और ये बंदा भी क्या कहते हैं उतने ही पैसे ले रहा है, किस चीज के? ये बंदा भी उतने ही पैसे ले रहा है, किस चीज के? इस ऑटो के। और उसके बाद ये कहते क्या है? कहते हैं जनाब हमारी 4 सवारियां हैं, 4 एक सवारी का 20 लेते हैं, 4 सवारियों का ऑटो अगर आप इकट्ठा कराओगे तो आपसे 100 रुपये लेंगे। इसका जल क्या रहा है? नहीं पता है तो कहाँ रहते हो? क्या नाम है तुम्हारा? कहाँ के रहने वाले? लर्नर का मतलब पता है आपको? सर हाँ, मतलब सीख रहा है। सीख रहा है तो फिर तू कैसे चला रहा है? नहीं, यूनियन ने क्या बोला? यूनियन ने क्या बोला? सर हमारे जो चला भी रहा है अपनी गाड़ी नहीं। यूनियन ने क्या बोला? सर हमको मतलब बताया, एक मिनट सर जी प्लीज। यूनियन ने क्या बोला? अभी ये बोला जब तक आपका लाइसेंस नहीं बन रहा, क्योंकि आरटीओ ने सजीव बोला था कि इसका ई रिक्शा अलग से बनेगा, क्योंकि जिस पर LMV का है, MCT का, वो तो इस पर चलेगा नहीं सर, है ना? तो इसका आप अलग से बनाओ, तब तक ये बनाओ, तब इस पर चलाओ। तो जब तक ये है तब तक आप नहीं चला सकते हो। लर्नर मतलब सीख रहा है। यूनियन की कौन, क्या आप किस यूनियन के साथ हो? सर वो 3-4 ग्रुप हैं, जम्मू ई रिक्शा ग्रुप बनाया, उसमें डाला हुआ है। अच्छा, उसमें डाला हुआ है। कौन है प्रधान? सरदार है? हाँ अमन। अच्छा रमन, आप अमन? सर कोई दिक्कत है क्या? सर कोई बात है क्या? अच्छा ठीक है ठीक है। तो आप ई रिक्शा जो है वो लर्नर लाइसेंस पे चला रहे हो? अभी तो सर चला रहा हूँ। 8 पे मेरा वो स्लॉट बुक है, 8 पे मेरा लाइसेंस पक्का मिल जाएगा। ठीक।
जम्मू कश्मीर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, इन सब के होते हुए भी आम नागरिक जब इन ई रिक्शाओं का इस्तेमाल करता है और लुटता है तो उसे अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए ना यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी मिलता है, ना जम्मू कश्मीर पुलिस का कोई जवान मिलता है। और आप तमाशा देखिए कि ये ई रिक्शा जो है इसके हॉस्पिटल के गेट के ऊपर लगा हुआ है। हॉस्पिटल की सिक्योरिटी यहाँ पर है, इस सिक्योरिटी के होते हुए ना कोई सवाल है ना कोई जवाब है, और जब पूछो तो जवाब ये मिलता है जी कि ये चूँकि काम यही धंधा यही करता है इसलिए इसको इजाज़त है कि ये यहाँ बाहर अपना ई रिक्शा लगा सकता है। दूसरा सवाल, सामने वहाँ कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे आम लोगों के लिए हैं, मेरे लिए हैं, ये आपके लिए हैं, और इन कैमरों के जरिए पूरे दिन ट्रैफिक पुलिस को मेरी और आपकी वायलेशन जो है वो डिटेक्ट करनी है और वायलेशन डिटेक्ट करके मेरे और आपके खिलाफ कार्रवाई करनी है। लेकिन ई रिक्शा, अब मज़ेदार चीज़ देखिए कि पिछले दिनों रिक्शा वाले लगातार ये शिकायत कर रहे थे कि जनाब मसला हमारे साथ ये हो रहा है कि हम जो रेट लेते हैं वही रेट अब ई रिक्शा वालों ने लेना शुरू किया है, और जो रेट ई रिक्शा वालों ने लेना शुरू कर दिया है उसके नतीजे में हमारे साथ ज्यादती हो रही है। पहले यकीन नहीं आया कि वाकई ई रिक्शा वालों ने भी जम्मू शहर के लोगों को लूटना शुरू कर दिया है, लेकिन बाद में जब मैंने ई रिक्शा वाले से पहले पूछा कि बताइए यहाँ से तालाब तिल्लो तक का रेट कितना है, बख्शीनगर चौक से तालाब तिल्लो तक, तो भाई साहब ने कहा 100 रुपया रेट है। जब मैंने उसके बाद ये पूछा कि भाई 100 रुपया किस हिसाब से, तुम्हारा तो ई रिक्शा है, इसमें पेट्रोल नहीं जलता, इसमें डीजल नहीं जलता, बिजली के ऊपर ये चलता है, तो फिर आप 100 रुपये का रेट कैसे बता रहे हो? तो भाई साहब ने कहा ये हमारा रेट है, और उसके बाद भाई साहब यहाँ अपना ई रिक्शा छोड़कर चले गए। यानी इन्होंने SMGS हॉस्पिटल के बाहर अबंडन किया ई रिक्शा को, और अब कोई पता नहीं कि ये भाई साहब हैं कहाँ पर। ये आप देख सकते हैं कि ये ई रिक्शा का नंबर लगा हुआ है JK02DB59629। अब खुद आप हिसाब लगाइए कि कल तक आपको ऑटो रिक्शा जो पेट्रोल और डीजल पे पेट्रोल पे चलता है उससे आपको ऑटो रिक्शा से ये शिकायत थी कि ऑटो रिक्शा वाले ओवर चार्जिंग करते हैं, लेकिन ई रिक्शा वाले भी उसी दाम पर अब सवारियां लेना शुरू हो गए हैं। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये कि जैसे मैंने आपने देखा भी होगा कि एक ई रिक्शा वाले से मैंने पूछा कि आपके पास लाइसेंस है, तो उसने कहा जी मेरे पास लर्नर है, लाइसेंस नहीं है। आपकी जान जोखिम में डाल रहे हैं, और उसके बाद इनके लीडर जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं, वो लीडर बाद में फ़ोन करके ये कहते हैं कि जनाब आप ई रिक्शा के ख़िलाफ़ हैं, आप ई रिक्शा के ख़िलाफ़ मुहिम चला रहे हैं। मुझे ये बताइए ई रिक्शा का दाम क्या होना चाहिए और ई रिक्शा कितने पैसे लेना चाहिए? और अब ई रिक्शा वाला आपको ये भी कहता है कि जनाब अगर आपने एक आदमी ने बैठना है तो मेरा रेट इतना है, और अगर चार आदमी ने बैठना है मेरा रेट इतना है। असल में दिक्कत इनकी नहीं है, और दिक्कत ई रिक्शा चलाने वालों की भी नहीं है, दिक्कत मेरी और आपकी है, आम लोगों की, जिन आम लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा हो गया है कि जब ये आपको अपना मनमाना दाम रेट बोलते हैं तो आप खामोशी के साथ रेट देते हैं और निकल जाते हैं और शुगर पड़ते हैं। अगर ई रिक्शा वालों ने भी वही दाम लेने हैं जो पेट्रोल पर चलने वाले रिक्शा वालों ने लेने हैं, तो फिर मुझे बताइए वो पेट्रोल पर चलने वाले रिक्शा वाले बार बार जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं वो गलत तो नहीं कह रहे हैं कि जनाब लूट तो ये रहे हैं और आप इल्ज़ाम हमारे ऊपर लगा रहे हैं?